लोगों ने अपने अपने कमिटमेंट लिए। लेकिन कई कई सारे आप देख सकते हैं कि ऐसे देश थे कि जिन्होंने कमिटमेंट तो दिया लेकिन रेटिफिकेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं वो नहीं किया। यानी क्या? यानी ये काम कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन आपको बोलते हैं कि यह काम करना है तो उसमें पहले तो वो जो कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं उस कॉन्फ्रेंस में सभी देश क्या कहते हैं, हाँ, मैं करूंगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का है, दुनिया को बचाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और वो साइन करते हैं, उसको कहते हैं साइनिंग प्रोसेस। और रेटिफिकेशन प्रोसेस यानी क्या? फिर इन लोगों को जो राष्ट्राध्यक्ष जो प्रेसिडेंट वहां आते हैं उनको अपने घर अपने देश में जाना होता है और वहां जाके अपने संसद के सामने वो एग्रीमेंट रखना होता है, वो एमओयू रखना होता है और संसद जब उसको मंजूर करती है तब ये रेटिफाई होता है, तब उसकी सरकार फिर डिसाइड करती, नहीं ये अभी कानून पूरे देश के लिए हम लोग करेंगे, ये जो टारगेट आप साइन करके आए हैं सीओपी कॉन्फ्रेंस में उसको फिर हम पूरे पूरे हमारे देश में लागू करेंगे, तो उसे कहते हैं रेटिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि कई सारे लोगों ने रेटिफिकेशन किया ही नहीं और उसमें से एक है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है कि 1990 की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तब तक जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, जब पहली बार ये अर्थ समिट हुई जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था उसमें से 36% जितना भी वायु जा गया था हवा में पर्यावरण में वातावरण में और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, 36% आया था अमेरिका से। आज की तारीख में भी यानी 2000 तक भी अगर आप देखोगे तो 30% से ज्यादा जो उत्सर्जन हुआ आया अमेरिका से। आज की तारीख में भी देखोगे, आज की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे चाइना है लेकिन नंबर 2 पे आज भी अमेरिका है। कई सालों से अमेरिका से बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो गया है और इसी अमेरिका ने इसके ऊपर साइन तो किया कि मैं गैसेस कम करूंगा लेकिन जब वो देश में गए उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, जब उन्होंने संसद के सामने रखे तब 95-0 यानी एक भी मत इसको नहीं मिला कि हमें ये करना चाहिए, हमारे देश में ऐसे कानून करो कि जिसके वजह से गैसेस कम हो। इसके अलावा जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन हुए, जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो फिर से बहुत सारे एप्लीकेशन आए कि नहीं आपने जो जिसको नकारा था उसको फिर से आप लागू कीजिए, फिर से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सोचिए, फिर से उस वो जो चीजें है उसके ऊपर काम कीजिए। तो बुश साहब ने क्या किया, तो बुश साहब ने ओपनली सबको कहा मैं ये नहीं करूंगा, ओपनली क्यों नहीं करूंगा? तो दोस्तों ये कह रहे थे कि देखो मैं अपने इंडस्ट्री को बिजनेस को बोलूंगा कि आप मत करो और मेरी मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रुकाऊंगा और 80% जो लोग हैं 80% जो देश है वो अपने अपनी इकोनॉमी करके आगे निकल जाएंगे तो मैं काम क्यों करूं। दोस्तों अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है जिसको आपको समझना है। देखो सरकार कोई भी हो और किधर भी हो, आप भारत की बात करो, अमेरिका की बात करो या कोई भी देश की बात करो, उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो जो वहां बिजनेसेस करते हैं नंबर 1, और बिजनेसेस में भी नंबर 1 बिजनेसेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग लॉबी अगर कुछ है तो वो ऑयल एंड गैस की। सबको जाहिर है, सबको मालूम है कि इस ऑयल एंड गैस की वजह से ये उत्सर्जन हो रहे, ये गैसेस बाहर आ रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी की। अभी इन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिर भी वो इसको रेडिफाई नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल वो कानून लागू नहीं कर रहे। अगर आपने देखा होगा तो हमारे ट्रंप साहब ने भी ऐसे ही किया, नहीं करेंगे। तो इस सर जब मैं बोलता हूं कि इस ऑयल एंड गैस जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर में विश्व युद्ध होते हैं, वो सेक्टर आज भी इतना जबरदस्त इतना स्ट्रांग है कि वो पूरी आपकी जो चीजें हैं आपकी जो कायदे कानून है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी देश में अगर अपने भारत देश में किसी ने 1 लाख करोड़ डाल की कोई रिफाइनरी की है तो वो देखेगा ना 1 लाख करोड़ उसका वसूल हो, और इसी तरह से ये सब चलता है। और यही नहीं सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाद में अगर आप देखोगे तो कनाडा, कनाडा ने भी अपना अपना नाम इससे निकाल लिया क्योटो प्रोटोकॉल से और वो अपने देश की जो इकोनॉमी है उसके साथ चले गए। तो अगर आप कंप्लायंसेस की बात करें तो कंप्लायंसेस में ये जो कंप्लायंस है तो लोग सिर्फ आते हैं, लोगों ने किया सिर्फ 38 कंपनीज है, सॉरी 38 देश, 38 देश यानी साइन कितने ने किया, पूरे ने, क्योटो प्रोटोकॉल किसने साइन किया तो 196 देशों ने किया प्रोटोकॉल, वो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया कि हाँ हाँ हम लोग करेंगे।
लेकिन जाके किया कितने देशों ने, 38, सिर्फ 38 देशों ने। ये हमारे एमओयू और एग्रीमेंट जैसा है, सिंपल। एमओयू सबने साइन किया, काम किन्होंने किया, तो उन 38 लोगों ने किया। और उस 38 देशों में सबसे ज्यादा देश है यूरोप के। इसलिए जब भी आप यूरोप जाओगे तो आप देखोगे तो पूरा क्लीन, पूरा स्वच्छ, पूरा बिल्कुल, आपको वो जो पोल्यूशन है उसकी लेवल यूरोप में बहुत कम है। यूरोप को तो टारगेट, 38 देशों को टारगेट दिया था, 4% आपको कम करना है। जितना 1990 में आप करते थे ना उत्सर्जन पोल्यूशन, उससे सिर्फ 4% आपको कम करना है। और उन्होंने कितना कम किया, तो इन्होंने 24% कम किया, 4% नहीं, उसके 8 गुना, यानी 24% कम किया। इसलिए ये देश अगर आप देखोगे तो ये देश पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऐसे ही बाद में दूसरा पीरियड चालू हुआ, जिसका नाम था, जो दोहा से चालू हुआ, जिसको सेकंड पीरियड कमिटमेंट ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे देश तो इसमें रहे ही नहीं, बहुत सारे देशों में इस प्रोटोकॉल का देखा ही नहीं। फिर बाद में जापान भी इससे निकल गए। देशों ने क्या देखा, अपनी इकोनॉमी, क्या बाकी के, यानी हम अपने देश को देश में बोलेंगे मत करो मत करो मत करो, और बाहर की कोई फिर उसका फायदा लेके आगे निकल जाएगा, ये सोच के पूरे ये कमिटमेंट बहुत ही कम हुई दूसरे पीरियड में। और ये पीरियड 2012 से लेके 20 तक थी, और ऐसे कई साले, आई मीन ये पूरे ये 20 तक जो कुछ हुआ, तो कई सारे ऐसे प्लान भी बने हर साल, जो जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान बनाया गया लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। जैसे बाली एक्शन प्लान 2007 में हुआ, कोपनहेगन अकॉर्ड हुआ 2009 में, और ये चलता रहा जैसे मैंने कहा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो बाद में फाइनली आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट ने ये सभी चीजें, ये सभी जो ब्लूप्रिंट थी, उसको अच्छी तरह से बदल के रख दिया। बहुत अच्छे टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट सभी देशों को दिए, और उन्होंने स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, कैसे करना है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म भी चेंज किए। और आज के तारीख में भी जो कुछ सीओपी हो रहे हैं, आज के तारीख में जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सभी इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसे पेरिस एग्रीमेंट में, तो देखिए, तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ये पेरिस एग्रीमेंट के ये सब काम का चालू है, और हर देश को इसके ऊपर काम करना होता है। नंबर 1 कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो सबका एक फोकस है कि 2 डिग्री से भी बहुत कम, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस, इतना ही कम करना है। दूसरा, सब देशों को दिया है कि टारगेट्स गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम करना है, मीथेन इतना कम करना है, वो सब। तीसरा कि हर देश को अपना एक नेशनल प्लान बनाना है और वो सबमिट करना है यूनाइटेड नेशंस को, कि आप एक्चुअली कैसे करोगे, कैसे इस जो पोल्यूशन को वो काम करोगे। चौथा, हर साल कम से कम $100 बिलियन, यानी 7.5 लाख करोड़, इतने रुपए हमें जमा करने हैं, कि और जमाने किनको देने हैं, वही देश जो मैंने मैंने कहा कि डेवलप्ड नेशंस विथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दे जो इनको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो $100 बिलियन इसमें से जुड़ने चाहिए। और रिच, जो 5वां पॉइंट है कि अगर जो अमीर देश है वो गरीब देशों की मदद करें इन सब चीजों में काम करने में। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर लास्ट 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सभी एक ऐसा कर्व होने वाला है कि आपका आपकी दृष्टि जब डेवलपमेंट होगी तो बहुत, एक बार एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें गैस बढ़ते 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 जाएंगे, पीक पे आएंगे, और उसके बाद फिर वो नीचे हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आज आप सोचोगे और एकदम से कम होगा, नहीं, आपका विकास और डेवलपमेंट भी हो रही, तो एक वो पीक आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये पीक जल्दी लाइए और जल्दी उसको नीचे लाने की कोशिश कीजिए। तो आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है इन 6 मुद्दों को लेके हो रहा है, और इसको लेके फिर यूनाइटेड नेशंस ने ये कैटेगरीज भी की देशों की। तो उसमें नंबर 1 है, उनको कहते हैं कि एनेक्स 1 कंट्रीज। वो देश कौन से है, तो ये देश यानी सभी डेवलप्ड कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है, ऐसे देश है। दूसरा है एनेक्स 2 कंट्रीज, यानी ये देश जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है और वो इतने सक्षम है कि वो बाकी दूसरे दुनिया को, हमें दूसरे देशों को भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी ऐसे देश कि जो पहले तो ज्यादा कुछ पोल्यूशन करते नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है, और इसलिए उनको टारगेट्स, वो ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आज उनकी इकोनॉमी ऐसे कंडीशन में कि उनको टारगेट ही नहीं दे सकते,
वो है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और चौथी जो कैटेगरी है वो नॉन एनेक्स वन कंट्रीज, यानी जिसमें हम लोग सब डेवलपिंग देश आते हैं, एशियन देश आते हैं, कि जो अभी डेवलपिंग के इसमें है तो उनको टारगेट्स क्या दिए हैं कि आप जब डेवलपमेंट करोगे तो उसके साथ इस पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो कैसे एग्जैक्टली देखो, आप अगर आपको ये गैसेस कम करें तो कैसे करेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, मिथेन को कम करेंगे? तो एक तो सिंपल है, एक तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक तो ऐसा है कि जिस जिस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना, उसको ऐसी चीजों के साथ रिप्लेस करो कि जिसके जिसके जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी के जो गैसेस है वो ज्यादा ना बने। ये तो सिंपल तरीका है। आप जो भी कुछ आज आज की तारीख में काम कर रहे हो और पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी चीजों के साथ उसको रिप्लेस करें, ये डायरेक्ट तरीका है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आज जिस 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 चीजों से ऐसा हो रहा है, उसको हर चीज को आपको रिप्लेस करना है, लेकिन बहुत बार ये मुमकिन नहीं होता। अगर आज मेरी फैक्ट्री है, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं, और मुझे एकदम से अचानक से मैं अपना ये ऊर्जा छोड़ के दूसरी ऊर्जा में नहीं जा सकता, वो सर इकोनॉमी की ऐसी चीजें है कि जो हम लोग इमीडिएटली हम चाहते तो है लेकिन कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, ऐसी चीज है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने और एक चीज स्कीम शुरुआत की है और उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। आप नहीं कर सकते ना, तो तीन ऐसे तरीके हैं जिसके जिससे आप ही अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हो, और ये वो तीन तरीके हैं, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन ट्रेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा समझिए कि अमेरिका में एक कंपनी है जिसको बहुत जिसमें बहुत सारा पॉल्यूशन किया, उसको टारगेट किया आपको कम करना है, और भारत में एक कंपनी है कि जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं कर रही, उल्टा पोल्यूशन बहुत कम कर रही, तो उनका जो भारत को उस कंपनी को, भारत की जो कंपनी है उसको जो परमिसिबल लिमिट है वो उसके पास है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जरा भी जनरेट नहीं कर रही। तो ये काम क्या करेंगे, अमेरिका की कंपनी क्या करेगी, उनसे वो लिमिट, जैसे वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं ना, उससे उनको एक एमिशन रेटिंग मिलती है, कार्बन क्रेडिट्स तैयार होते हैं, तो उसको वो खरीदेंगे, पैसा देंगे और उसको खरीदेंगे, और पूरी दुनिया को बताएंगे, यूनाइटेड नेशन को बताएंगे, देखो आपने कहा था ना इतना कम करना है तो मैंने कम किया, मैंने डायरेक्टली नहीं कम किया लेकिन ये जो कंपनी काम कर रही है इनको मैंने हेल्प की वो कम करने के लिए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की उनके वो ट्रेडिंग, वो जो क्रेडिट्स खरीदे वो सब दिखाएगा। यानी इतना सिंपल है, आप आपको अगर मालूम होगा तो एफएसआई होता है, एफएसआई एफएसआई समझते हैं आप, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन में एफएसआई होता है, तो उसमें आपका आपके पास अगर एफएसआई है, आपके पास बहुत सारी जमीन है, आप उसमें इतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं कर, आपको नहीं करना है कंस्ट्रक्शन, पैसे भी नहीं आए या करना नहीं चाहते या जो भी कुछ है, तो आप क्या करते हैं, वो एफएसआई किसी बिल्डर को बेचते हो, और वो एफएसआई जब आप बिल्डर को बेचते हो तो आपका एफएसआई लेके बिल्डर बड़ी ऊंची इमारत तैयार करता है, वैसे ही है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी इसमें ऐसा है कि आप अगर कुछ ऐसा काम करें जैसे हम लोग काम कर रहे हैं एमसेल में, आज हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो पेट्रोल डीजल और ये सीएनजी जो फॉसाइल है उसको 100% रिप्लेस करेंगे हम लोग क्लीन फ्यूल के साथ, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जाएगा, उल्टा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म में वो अगर यूएस की कोई कंपनी वो पैसा डालेगी कि आप ये करो ताकि उनके टारगेट्स कम हो, कि देखो और कहीं भी, देखो इंडिया पूरी दुनिया एक ऐसी जगह है कि अगर आप कहीं भी पोल्यूशन करो वो तो पूरी दुनिया को मिलना है, तो उसी तरह से फिर ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है कि आप उस फैक्ट्रियों में उस कंपनी में निवेश करो जो कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कम करेंगी। और तीसरा जो तरीका है वो है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, यानी दोनों मिलके, यानी भारत की कंपनी और अमेरिका की कंपनी मिलके कोई प्रोजेक्ट करे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम करे दोस्तों। और इसमें जब भी आप ये काम करते हो तब आपके कुछ शेयर्स तैयार होते हैं, शेयर जैसे बोलते हैं ना आप शेयर्स ट्रेड में, वैसे ही कुछ सीआर सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शंस ऐसे तैयार होते हैं, जिससे अभी देखे मैंने एक चित्र में अभी बताया है कि ऐसा समझे कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक औष्णिक कोयले पे चलने वाला औष्णिक केंद्र है, ओके, जिसमें कोयला लाके हम लोग डाल रहे हैं और आज ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहां अगर हम लोगों ने मिलके कोयले पे जगह पे हम लोगों ने बायोमास डाला निपेर से या जो भी कहते हैं, तो जो कोयले से प्रदूषण होना है उससे बहुत कम इस बायोमास से हो, और कितने सारे जो
ये जो सीआर है, कि ये जो शेयर्स है वो तैयार होते हैं, और इनको सीआर नहीं तो कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। और ये और इसकी इसका तरीका क्या है, इसका आधार क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने कहा कि 76% जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हर कोई चीज इस कैलकुलेशन में, ऑडिटिंग में जो आती है ना, पहले तो वो ऑडिटिंग होती है कि बाबा आपने कितना काम किया, कितना वो कम किया, तो कितने शेयर्स आपके जनरेट हुए, और ये किसके आधार पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने कम। भले हम लोग मिथेन कम कर रहे हैं, आज आज की तारीख में मिथेन यूज कर रहे हैं, मिथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जबरदस्त है। यानी अगर हम लोग मिथेन तैयार करके बेच रहे हैं, तो ऐसा सोचिए कि हम लोग अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन, 1 टन जो मिथेन अगर तैयार करोगे ना, वो इक्विवेलेंट होता है 21 टन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इतना इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट्स, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। तो इससे वो कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है, इनको एमिशन रिडक्शन यूनिट्स ऐसे भी कहते हैं, इनको ऑफकोर्स कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं, और ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कितना आप कम करते हैं उसके आधार पर चलता है। 1 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम किया तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। और आज आप सभी को ये पढ़ाई करनी है कि कार्बन क्रेडिट्स का रेट आज के तारीख में क्या चल रहा है, और ये आपको करना है। और ये भी आपको करना है कि अगर हम लोग 100 टन मिथेन या फ्यूल जनरेट करेंगे, बेचेंगे, तो हम लोग कितने क्रेडिट्स तैयार कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए एक बार हमने ये किया तो पूरी दुनिया में इसको बेचने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर एसोसिएशन है, ट्रेडिंग एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनल सिर्फ ये ट्रेडिंग का काम करेंगे। ये आएंगे आपके पास, ये बैठेंगे, ये आपका वो कार्बन क्रेडिट का काम करेंगे, और आपको वो बेच के भी देंगे। इसके अलावा और एक चीज स्कीम है, वो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम। यानी आप किसी भी देश के किसी भी प्रोजेक्ट को हार्ड या सॉफ्ट ग्रीनिंग या फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों में देखो, हमें एक देखना है कि कंप्लायंस कितना होता है। हमने देखा कि सभी देश, ऑलमोस्ट सभी जो प्रोटोकॉल आपने देखे ना, सभी जो आज तक की सीओपी हुई, ऑलमोस्ट सभी देश आते हैं उसमें, क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम, सभी सभी इसको सह रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो जिसने रेटिफाई नहीं किया है, इंडिया हो डेवलपिंग हो लेकिन उसको ज्यादा जरूरत नहीं रेटिफाई करने की, लेकिन सभी लोग इसका इतना भुगत रहे हैं, चाइना से लेके सब लोग, और हर देश में वो सब आवाज आ रहे हैं कि आपको करना है, करना है, करना है। लेकिन ये जब जाते हैं अपने अपने देशों में तो ये कर नहीं पाते, क्योंकि जिस फैक्ट्री के एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं आप, या जो पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसलिए कंप्लायंस की अगर बात करें तो कंप्लायंस इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप हम लोग एनालिसिस करें कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने ये पूरा जो श्रृंखला शुरू की है सीओपी की, ये जो काम UNFCCC कर रहा है, इसमें करके कितना फायदा हुआ, तो वही मैंने जैसे बताया कि फायदा हमें सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ देश जेन्युइनली कर रहे हैं, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अगर नहीं करते तो 2.7 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहुंचेंगे 2100 तक। आज की तारीख में जैसे कर रहे हैं वो 2.4 डिग्री सेल्सियस में लेके जाएगा, वो भी बहुत सब खतरनाक है, पूरी पूरा तबाह कर देगा ऐसा है। तो एफर्ट्स इतने नहीं है, वो स्ट्रिक्टली करने पड़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम लोग फिलोसफी भी देखें इन सब चीजों की, तो देखो आपको जब जैसे मैंने हमने वहां साइन किया यूनाइटेड नेशंस में और आ गए अपने देश में, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सभी इंडस्ट्रीज वो को बोलेंगे कि देखो आपको ये सब पूरा बंद करना है, आपको इमिशन, आपसे आने वाला जो धुआं है, पोल्यूशन है, वो कंपल्सरी इतना कम होना चाहिए। लोगों को बोलेंगे कि आपको ये पूरा काम, ये सब कम करना है, बिजली इतने ही यूटिलाइज करनी है, ये सब करना है। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है बताइए। अगर मेरा प्रोडक्शन का जो खर्चा है वही ज्यादा रहा, तो मैं माल बेच के मैं कैसे इनकम करूंगा, कैसे मेरी फैक्ट्री चलेगी, क्योंकि आज के तारीख में ये सभी जो क्लीन एनर्जी है वो बहुत महंगी है, नॉर्मल जो एनर्जी आती है ना वो सस्ती है, और ये बहुत महंगी है। तो अगर मेरी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी तो लोगों के रोजगार जाएंगे, सब कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी, यानी आज हमारा जो कुछ अभी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, आप अभी जो जहां बैठे हो वहां ऊपर पंखा रहेगा, लाइट रहेगी, ये सब मोबाइल या कंप्यूटर पे आप देख रहे हो, ये सब सुन रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा लगती ही है ना, कंपल्सरी लगती है। अगर मैं एक जगह पे हूँ और मुंबई में हूँ, मैं किसी को बोलूँ तो वहां मुंबई में आपको आना है पुणे से, तो साइकिल पे थोड़ी आएगा, वो अपनी गाड़ी लेके आएगा ना, तो उतना पोल्यूशन करना है तो करना ही है। तो ये पूरे चीजों में जो कंप्लायंस की चीज है वो हमें
सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज में अगर आप देखोगे तो लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। जैसे भी लोग बढ़ते हैं तो उनको ऊर्जा लगेगी, उनको लाइट लगेगी, पढ़ाई के लिए लाइट लगेगी। आप जब कुछ काम करोगे तो एनर्जी तो कंपल्सरी लगनी, कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी आप डालो तो इस पूरे डेवलपमेंट के लिए एनर्जी और ये बेटर सोशल लाइफ हमारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये करे कैसे, ये सबसे बड़ा मसला है। और इसमें ये आया हमारा COP26 जिसके हम लोग आज बात कर रहे हैं। इस साल भी ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ, इस साल भी सभी देश आ गए यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में आ गए ग्लासगो सिटी में। एक्चुअली ये जो इस साल का जो कॉन्फ्रेंस है वो एक साल लेट हुआ, क्योंकि जहां ये सब कॉन्फ्रेंस होना था वो पिछले साल कोविड सेंटर बन चुका था, यानी जिस हॉल में ये सब करने वाले थे वो पूरा कोविड का हॉस्पिटल था। और इसकी जो होस्ट कंट्री है वो दो है, यानी इंग्लैंड और इटली। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब कोविड बहुत ज्यादा था तब ये दोनों देश बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे इसके वजह से। तो एक साल लेट हो गए। और हम इस 2021 में, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था अलोक शर्मा। यानी ब्रिटेन का जो संसद है वहां के जो मिनिस्टर है इस विषय के, वही भारतीय वंश के है वो, लेकिन वही ब्रॉटअप वगैरह हुए हैं। और वो अलोक शर्मा इस पूरे चीज को उन्होंने उसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ जैसे हम लोग सीओपी बोलते हैं ना कि COP26, COP26 यानी क्या, तो 1992 में पहली बार जो परिषद हुई थी जिसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं, उसके बाद की ये कितनी है, तो 26 थे। ऐसे ही इस परिषद को CMA3 ऐसा भी बोलते हैं। CMA3 यानी क्या, तो पेरिस एग्रीमेंट करने के बाद 2015 के बाद ये कितनी परिषद है, तो तीसरी। और वैसा ही इसको CMP16 भी कहा जाता है, यानी आपने जब क्योटो प्रोटोकॉल किया उसके बाद की कितनी, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद की 16। तो क्या हुआ इस ग्लासगो क्लाइमेट में, इस परिषद में, इस सीओपी में, तो इस परिषद में भी उन्होंने एक प्लान बनाया, एक चीजें बताई कि इसके ये काम, इस काम के ऊपर फोकस करना है, ऐसे पॉइंट्स बनाए, और जिसको हम लोग कहते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। और ऑफ कोर्स ये बेस्ट है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। नंबर वन पॉइंट ये था जो उन्होंने पारित किया और सभी ने इसके ऊपर साइन किया कि सभी देश मिलकर एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी NDC ये सब सबमिट करेंगे। यानी क्या करेंगे, तो हर देश अपने अपने देश की जो प्लानिंग है ये पूरा एमिशन कम करने की, या पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने सबने डिसाइड किया था, तो जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया है उसके लिए अपनी कैसी प्लानिंग, कैसी रणनीति आपने बनाई, वो आपको यूनाइटेड नेशंस में देनी है, वो इसका पहला पॉइंट था। और लगभग सभी देशों ने इसके ऊपर साइन किया। दूसरा जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज इस परिषद में थी वो थी कोयला। दोस्तों कोयले के ऊपर सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा डिस्कशन, चर्चा इसमें थी। कोयला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाला फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है। इसके ऊपर एक वाक्यता हो गई, सभी देशों ने, सभी ने मिलकर, इनफैक्ट ये शुरू होने के पहले ऊपर भी कोयला कोयला ही चल रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बिजली आती है, जैसे मैंने कहा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 80% जो बिजली बनती है पूरी दुनिया में वो कोयले से बनती है। हमारे देश में 70% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, और कोयला इतना ग्लोबल वार्मिंग करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आज की तारीख में तैयार हो रही है कोयले से हो रहा है मैक्सिमम। तो सभी का एक ही मकसद था कि इस कोयले को निकाल देना है, फेज आउट करना है, ऐसा था। लेकिन वो फेज आउट के जगह पे एंड एंड मौके पे चाइना और इंडिया की वजह से फेज डाउन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद तीसरा था क्लाइमेट फाइनेंस। जैसे मैंने कहा था कि आपको $100 बिलियन हर साल तैयार करने थे, इकट्ठा करने थे, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के बाद इतने पैसे आए नहीं। वो पेरिस 2015 से लेकर आज तक अगर बात करें वो भी $100 बिलियन नहीं। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर जोर दिया कि बाबा पैसा लाओ और इसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करो। चौथा लॉस एंड डैमेज। जैसे हमने कहा कि हमारे देश में इस साल उत्तराखंड से लेके उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कई जगह इतना सारा लॉस डैमेजेस हुए, तो इसको फिर मदद करने के लिए भी आप जो अमीर देश हो उनको मदद करो, ऐसा भी एक ख्याल इसमें पारित हुआ। और ऑफ कोर्स पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के जो चीजें इसके ऊपर पूरा चित्र से काम करो, इसके ऊपर अपनी रणनीति बनाओ,
इसके ऊपर सभी ने साइन किया। तो अगर आप देखोगे कि क्या क्या किया हम लोगों ने, तो उसका आउटकम सबसे पहले तो 197 जो कंट्रीज थे इन्होंने इस ग्लासगो पैक्ट के ऊपर साइन किया, और फेजिंग आउट जो कोयला पूरी तरह से खत्म करना था उसको कम करना है इसके ऊपर सभी ने साइन किया। खत्म करना था इसी के ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो एंड में चेंज हुआ। 140 देशों ने प्रतिज्ञा ली कि हम नेट जीरो, यानी हमारे देश में ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेट जीरो इमिशन होगा। 100 देशों ने प्रतिज्ञा ली कि हमारा जो भी जो फॉरेस्टेशन जो जंगल हम लोगों ने तोड़े हैं उसको फिर से हम लोग इसको जंगलों का निर्माण करेंगे। 40 देशों ने लेकिन उस कसम खाई कि हम इस कोयला को पूरी तरह से निकाल देंगे। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो 100 बिलियन डॉलर इकट्ठा करनी उसके लिए भी लोगों ने साइन किए, और बाकी चीजें हुई। लेकिन इसमें जो हमारे देश की बात अगर हम लोग देखें तो हमारे देश ने भी इसमें जो कसम खाई और जो यूनाइटेड नेशंस को बताई वो ये है, और जो हमको जरूरत है हमारे बिजनेस के लिए समझना वो ये है कि हम लोग 2030 तक जो भी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं, उसको 50% एनर्जी वो आएगी रिन्यूएबल्स से। यानी ऐसा समझे कि आगे के 9 साल में अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी तैयारी हो रही है वो रिन्यूएबल से होगी, वो होगी या तो सोलर से या तो होगी बायोमास से, और अभी हमें ये काम करके दिखाना है। और दूसरा ये काम था जो जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो है कि जो इंडस्ट्रीज जो कार कंपनीज है वो कार कंपनी ने भी, बहुत सारे कार कंपनी ने ऐसे लिख के दिया कसम खाई कि हम ऐसे कारों का निर्माण करेंगे जो इस जो इमिशन बिल्कुल कम करेगी। लेकिन इसमें इस परिषद में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी आलोचना हुई, निंदा हुई। किसकी हुई? तो दो चीजों की वजह से हुई। नंबर 1, ये तीनों देश चाइना, रशिया और ब्राजील, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। अभी आज की तारीख में 27%, 27% जो गैसेस आ रही है ना वो चाइना से आ रही है। नंबर 1 सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाला देश आज की तारीख में चाइना है, लेकिन चाइना के अध्यक्ष ही नहीं आए, और इसके कड़ी निंदा सभी देशों ने की। दूसरे रशिया, रशिया भी एक बहुत मेजर पॉल्यूटर रहा है इतने पूरे सालों में, और पुतिन साहब नहीं आए क्योंकि उनको उन्होंने हेल्थ का रीजन दिया। और तीसरा ब्राजील, ब्राजील ने अगर आपको मालूम होगा तो ब्राजील ने बहुत बड़े लेवल पे उनका सब जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काटा है पिछले कुछ दिनों में, और जिसकी आलोचना पूरी दुनिया में हुई, और फिर से उसके ऊपर सवाल आएंगे, इसकी वजह से उनके राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर पूरी कड़ी आलोचना हुई, निंदा हुई, वो ये कि आए पूरे परिषद, 1 महीना ये परिषद चली, उसमें सब लोग ये बोल रहे थे कि कोयले को पूरी तरह से हटाना है, फेज आउट करना है। लेकिन आखिरी मोमेंट में, आखिरी दिन के ऊपर इंडिया और चाइना ने सपोर्ट क्या किया, फेज डाउन, उसको कम करना है, क्योंकि इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिजली के लिए वो आज की तारीख में भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसकी कड़ी निंदा पूरी दुनिया ने की। तो क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, क्यों सबको लगता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रोके, हमारी अपनी धरती माँ का ख्याल रखे, ये पूरे पर्यावरण को बचाए, लेकिन क्या चैलेंजेस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चैलेंज है वो इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट। हाँ दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से सिर्फ एनवायरमेंट पर्यावरण के बारे में भी सोचे तो ये भी सोचना जरूरी है ना कि हमारी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर है। हम पूरी ये फैक्ट्री आई इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कितनी फैक्ट्रियां चल रही है वो बंद कैसे करेंगे, इतने लोगों के रोजगार उसके ऊपर डिपेंड है उसको बंद कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल इतनी सारी चीजें उसको कैसे कम करेंगे, लोगों का जो सोशल काम करने का तरीका उसको कैसे कम करेंगे। तो इकोनॉमी को संभालना एक चैलेंज है, और ऊपर से पर्यावरण का संभालना एक दूसरा चैलेंज है, ये पूरी दुनिया को एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है फाइनेंस, जो सोचते हैं वो जो पैसा लगने वाला है, जो काम, जो आरएनडी होगा, रिसर्च होगा, उसके लिए पर्याप्त पैसे, पर्याप्त फंड अवेलेबल नहीं है। और तीसरा सोशल इंपैक्ट, यानी हम लोग नहीं बोल, जैसा मैंने कहा कि आप एक जगह पे हो तो आप कैसे कार को, ये ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कम करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये टीवी, जो कुछ चल रहा है ये कंपलसरी आज की तारीख में, इसको कैसे कम करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चैलेंज है, कि जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ लिख पा रहे हैं, जिसमें साइन कर रहे हैं, उसको अचीव नहीं कर पा रहे। और इन्वेस्टर्स, दोस्तों इन्वेस्टर्स भी कोई भी, अभी पिछले ही हफ्ते हमारे जो मिनिस्टर है ना इस चीज के,
उन्होंने कहा कि ये जो लोग हम लोग पैसा मांग रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं, लोग यानी कौन? देखो सरकार यानी कौन, आप बताइए। आप अगर बोलेंगे अमेरिका चाइना ने उन्होंने पैसा देना चाहिए इस चीज की, यूनाइटेड नेशन सबको बोलेगा कि आप पैसा दो, तो वो देश भी पैसा कहां से देंगे? एक तो उनका खुद का जो रिजर्व थोड़ा सा फंड होगा उसे दे सकते हैं, लेकिन जो मेन लोग है जो इसमें पैसा डालेंगे वो कौन है? इन्वेस्टर्स है, और वो तो ओपन है, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी पैसा डाल सकते हैं, वो तो ओपन है। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि हम लोग अगर आपको आपको 100 बिलियन डॉलर देंगे, इतने पैसे देंगे तो आप करेंगे, तो उसका कुछ तो बर्ताव आना चाहिए, कुछ तो रिटर्न आना चाहिए। अगर उसका रिटर्न ही नहीं आ रहा है, कार्बन क्रेडिट की सिर्फ बात हो रही है और हमें पता भी नहीं उसको मिलेंगे कि नहीं, क्या होगा उसका आगे, तो कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसके आरओआई बहुत कम है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि इन्वेस्टर्स को परवड़ता नहीं उसमें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, ये सभी दुनिया को बचाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए कि जो ऑफकोर्स दुनिया को बचाए लेकिन उसके साथ पैसे का भी ख्याल रखे। अगर कोई उसमें निवेश कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स का भी ख्याल रखे और लोगों का भी ख्याल रखे, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाइए, ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसमें लोगों इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी हो रहा है, पर्यावरण का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और लोगों का भी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को नंबर वन प्राथमिकता है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जरूरत पूरी दुनिया को ऐसे प्रोजेक्ट्स की है। ऐसे प्रोजेक्ट जब आप निर्माण करोगे तो पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है। और दोस्तों ऐसा ही काम हम कर रहे हैं, ये जो एमसीएल में हम लोग काम कर रहे हैं, एमसीएल में पूरी जो बिजनेस लाइन है, जो बिजनेस के प्रोजेक्ट्स है, वो 100% ट्रिपल बॉटम लाइन है ना। आप किसी भी एंगल से इसको देखिए, कोई भी एंगल, जो अगर आप फाइनेंस से देखिए, एनवायरमेंट से देखिए, एक तो इन्वेस्टर के माध्यम से हमने इसको ऐसा बनाया है कि उनको पर्याप्त उनका रिटर्न मिलेगा, नंबर वन। आज की तारीख पे इंटरनेशनली लेवल पे जो कुछ चल रहा है ना वो उनको रिटर्न मिलेगा उतना हम लोग देख रहे हैं, इसलिए बाकी की फर्टिलाइजर ये सब चीजें हम लोग करके उसको डेवलप कर रहे हैं। नंबर टू, अगर एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, तो 100% आरओआई एनवायरमेंट में, यानी एक ही साल भी प्रोजेक्ट चलेगा ना तो आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, इतना हमारे प्रोजेक्ट्स में है। सोशल आरओआई भी 100% है। अगर आपके एज अ कंपनी, एज अ देश, अगर आपको यूनाइटेड नेशन या दुनिया ने टारगेट दिया ना, वो एक साल में कवर हो सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट आज हमारे एमसीएल के है। कोई भी प्रोजेक्ट, आई मीन किसी भी एंगल से कहीं भी आप इसको रखिएगा, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट और एमसीएल बायोफिलिस्ट, पहले इसकी बात करते हैं, स्टार्टअप्स, कहीं भी जिस तरह से आज हम लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसा कहीं काम नहीं हो रहा। ये आपको क्या लगता है, ये जो पहले फेज में हमको 100 प्रोजेक्ट्स करने, ये किसके लिए करने हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? क्यों एक 5-10 प्रोजेक्ट छोड़ के डायरेक्टली 100 और 100 नहीं, अभी तो हम लोग फर्स्ट फेज वन में जितने सारे प्रोजेक्ट वो सब करने वाले, क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो भी काम कर रहे हैं वो इस ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये सॉल्यूशन को रखना चाहते हैं और हम ये प्रोजेक्ट उस लेवल पे, उस कैपेसिटी के ऊपर करना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए सॉल्यूशन लेके आए। आज सॉल्यूशन के लिए क्या देखा जाता है, रिन्यूएबल में क्या देखा जाता है, तो वो देखा जाता है सोलार। पूरी दुनिया के अंदर सोलार का बिजनेस कर रहा है चाइना, सोलार पैनल अपने इंडिया में भी 90% सोलर पैनल वहां से आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं 60%। पूरी दुनिया के अंदर जो बैटरी जाती है ना, जो बैटरी बैटरी व्हीकल्स आप बात कर रहे हो, 80% पूरी दुनिया में बैटरी जाती है चाइना से। जो जो बैटरी की मेटल्स है, धातु है, उसकी जो खदानें हैं जिस देशों में, वो खदानें चाइना की ओनरशिप की, उनकी खुद की ओनरशिप में, उस खदानों से लेके मेटल से लेके बैटरी बनाने तक पूरा जो वैल्यू चेन है ना, 80% पूरा कंट्रोल, पूरा सप्लाई सब कुछ है चाइना। और देखा ना अपने सीओपी में चाइना आया भी नहीं, उसको टाइम ही नहीं है,
अभी अमेरिका और चाइना का ऐसा बोल रहे कि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है एक दूसरे का, वो देखते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन पिछले साल जितना माल चाइना ने अमेरिका को दिया था, इस साल 50% उन्होंने ज्यादा बेचा है अमेरिका को, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल और बाकी सब चीजों में, तो उसे बिजनेस और इस तरह से काम कर, और पूरी दुनिया के सामने तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, करे क्या। और इसीलिए एमसीएल को भी एक दो प्रोजेक्ट यहां वहां किए, कुछ करने के लिए किए, इससे काम नहीं चलने वाला था। आज जो भी लगता है आपको थोड़ा सा टाइम या यहां वहां हम लोग कर रहे हैं, ये इसीलिए कि एक बार ये प्रोजेक्ट चालू हुए तो इस तरह से इतने फास्ट हम लोग करें कि पूरी दुनिया को दिखाना है, ये किसी को दिखाने के लिए इधर उधर नहीं करना है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर हम लोग इतना सोच के आपको ये प्रेजेंट करते हैं, ये सब बताते हैं, तो सोचिए हम लोग ने कितना सोचा होगा, कितना सोचा होगा कि आगे आने वाले दिनों में, और हमारे तहसीलों में तो एक नहीं ऐसे 20-20 40-40 फैक्ट्री लगेगी। आप सोचिए क्या इंपैक्ट रहेगा पूरी दुनिया में। जो एमसेल काम कर रही है ना अभी, उसके लिए काम करें आप लोग, जो काम कर रहे हैं उसके लिए काम करें, और आप 100% निश्चिंत रहिए, ये काम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और पूरे दिनों के दुनिया को दिखा देंगे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, अभी देखो यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया पिछले साल से, यूनाइटेड नेशन थक गई इतने साल काम करके, 28 साल से वो काम कर रहे कर रहे कर रहे, लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, देश आते हैं साइन करते हैं लेकिन करते नहीं, कंप्लायंस नहीं करते, तो इन्होंने नई स्कीम चालू की, रेस टू जीरो कैंपेन, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो वहां की सरकारें नहीं कर रही है, वो किसी के कंट्रोल में या नहीं कर रही, तो लोग आइए, ऑर्गेनाइजेशंस आए और एक काम करें, तो उन्होंने ऐसा कैंपेन शुरू किया है कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी करके साइन करो कि आप अपने कंपनी को नेट जीरो करें, आप अगर कोई छोटा सा आपका टाउन है शहर है तो आप शहर करके साइन करो, मेयर करके साइन करो, इस शहर को आप ठीक करोगे, लोग है तो लोग आओ और कैंपेन शुरू, यानी जिससे हमने शुरुआत की वहां वो अभी 28 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस आया है। दोस्तों आज हर तहसील में हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हर तहसील को हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है, हर तहसील को हमें ये पूरी चीज जो आज इतने सालों से बहस हो रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एक एंगल नहीं है, जैसे हमने शुरुआत की यूनाइटेड नेशन ने क्या हुआ, उससे 17 एंगल है, 17 अलग अलग चीजों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां भूख से लेके एजुकेशन से लेके मेडिकल फैसिलिटी से लेके ये पूरा कुछ है, चाहे वो पर्यावरण का ख्याल हो, पानी के अंदर के जीव जंतु हो, जमीन के ऊपर के सब 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 ऐसा ही ख्याल, ऐसा ही जो यूनाइटेड नेशंस ने पहले दिन से शुरुआत की है दुनिया के लिए, वो हम अपने हर तहसील के लिए देख रहे हैं, इक्विटेबल इनकम से लेके बहुत सारी चीजें, इसीलिए तो हम लोग जो भी कुछ इसमें तैयार करेंगे, मुनाफा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, मैक्सिमम लोगों को देंगे, कितना चाहिए आपको मुझे मिलके, कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, और इसी पे हम लोग विश्वास करते हैं। दोस्तों आने वाले तारीख में ये जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला काम हम लोग करेंगे, और ये नहीं सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट करेंगे। अभी इसराइल देखो, इसराइल में 20% जो पूरा जमीन है ना इसराइल की, 20% ऐसी जमीन है कि जो जिसमें खेती हो सकती है, 80% में तो खेती ही नहीं हो सकती, ऐसा कुदरत ने उनको दिया है, फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां से पानी वहां लेके जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं और खेती को कर रहे हैं बड़ा, आपको तो मालूम है इसराइल के क्या कर रही है खेती, और अपने तरफ देखिए ना, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल आज हमारे देश में है, ये पूरे हर हर साल ये जो हो रही है, ये जो परिषदें हो रही है, लोग आ रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, सोल्यूशन देने का काम सिर्फ अपने देश में है, सोल्यूशन हम देने वाले हैं। आज जो भी एक एक दिन आप जो गिन रहे हो ना, एक एक दिन पूरी तरह से 24/7 हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये पहले फेज के प्रोजेक्ट दुनिया के लिए सबसे आई ओपनर रहने वाले हैं, और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला काम हम लोग करने वाले हैं, और इसमें ये पूरा है, ये हर चीज अगर आप देखोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, सिर्फ पेट्रोकेमिकल की बात नहीं है, फेज तो है इंधन जिसके जो जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये जो सीएसआर की भी बात कर रहे हैं ना, ये भी पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला है कि कैसे आने वाले दिनों में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और कुदरत ने भगवान ने हमको इतना दिया है कि मिलके हम लोग पूरी दुनिया में बहुत आगे इसमें निकल जा सकते हैं।
और वही एक ही आदमी है ये जो करेगा, कौन है वो? किसान। हमें मिलके अपने किसानों को मजबूत करना है। तो दोस्तों तो चलिए मिलते हैं, काम करते हैं, बहुत जल्दी इस फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं, और जितना जबरदस्त काम आप कर रहे हैं वैसे ही चालू रखिए। आने वाले दिनों में आपको हो सकता है आप में से कोई जाएगा यूनाइटेड नेशंस में, और बाकी जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आप प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे तालुका को अपने नेट जीरो किया और सभी सस्टेनेबल